और संजू, बदकिस्मती यह है कि वो संजू है, अगर उसका नाम राहुल होता या कुछ और होता तो आप लोग उसको कहते वाह 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 वा, कितनी बदकिस्मती है कि एक तरफ हम राहुल को छोड़ देते हैं, हम एबीसीडी को मैं नाम लूंगा एक और तो कुछ लोग उछल पड़ेंगे। अब देखे संजू सैमसन के 62 बालों के साथ है जी राशिद खान को चिक्के, ठीक है, दूसरी तरफ जो टैलेंट है जिसकी इतनी बातचीत हो रही है, बट हैट्स ऑफ टू हिटमायर, हैट्स ऑफ टू सैमसन। देखिए यही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये डीके और ये सीके और राहुल और तो यार खुदा के बंदो निकलो इनसे बाहर। माना संजू सैमसन ब्रेन नहीं यूज करता, बट ही हैज ऑल द शॉट्स इन द बुक, ही हैज ऑल द शॉट्स आउट ऑफ द बुक। जब ये देखिए रिजवान साहब माने, जैसे आप स्काई का कहते हैं कोई मसला नहीं है, चार पांच छह मैचों में अंडे, पहली पहली बार मैंने आपसे आज कहा था वो स्कोर करेगा। संजू सैमसन को आप एक दफा हौसला दें, इसको कहे तूने बेटा पांच मैच खेलने हैं, जो मर्जी कर, रिजवान साहब मैं आपको गारंटी रहता हूं यह लड़का स्कोर कर। जब आपके गले पे तलवार रख के कहा जाए जाओ जाके एक मैच में 88 का, अब आप मुझे बताएं आपस की बात है, जितने मैच पराग को मिले हैं इतने मैच अर्जुन तेंदुलकर को मिल जाए, सोचे वो क्या करे। पराग तो आई गुड फॉर नथिंग है, देखो यार अभी कोई एक आधा 14 में से या जो भी 12 मैच खेलेगा एक आधा मैच वो जिता देगा, बोलेंगे देखो जी आप इसको वो कह रहे थे ये पराग। एनीवेज जी राशिद खान की जो थ्रेशिंग हुई है वो वंस इन अ लाइफ टाइम ही होती है वो, देखो ये आसान काम नहीं है। आई एम नॉट डिसरिस्पेक्टिंग बाबर आजम, लेकिन बाबर आजम से छक्का नहीं लगता राशिद खान को। पीएसएल में भी उसको आउट किया उसने, इंटरनेशनल में भी आउट किया है और बार बार स्ट्रगल करता है। हमारा जो सबसे बेहतरीन बैट्समैन है उस बॉलर को छक्के मारना ये आसान काम नहीं है। और मैं सिर्फ बाबर की एग्जांपल नहीं दे रहा, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले पुलाड जैसे खतरनाक हिटर की भी एग्जांपल दी है कि उसके सामने भी मैंने देखा है कि वो 17वें 18वें ओवर में स्लिप रखी होती है और उसकी भी कोशिश होती किसी तरह से इसकी ये निकल जाए ओवर निकल जाए, वो भी चार्ज नहीं करता, लेकिन आज उसकी एक वजह है आज उसको चार्ज करने की। और संजू बदकिस्मती यह है कि वो संजू है, अगर उसका नाम राहुल होता या कुछ और होता तो आप लोग उसको कहते वाह 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 वाह। भाई टीम के लिए खेला है उसने, राशिद खान को हेड ऑन लिया जिसको बड़े बड़े नन्हे और फन्ने खान और तीस मार खान नहीं ले सकते, आउट हो गया, लेकिन उसने एक प्लेटफॉर्म दे दिया। देखे ईशन किशन भी आउट हुआ उसने एक प्लेटफॉर्म दे दिया, स्काई भी आउट हुआ उसने एक प्लेटफॉर्म दे दिया, यहां आप देखो संजू आउट हुआ, हिट मार था अश्विन ने, चाहे 10 रन किए उन 10 रन ने कितनी बालों में किए, 2 बालों में 30 रन में वो आउट हो गया। तो भाई ऐसे ही होता है मेरा भाई, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं।